तो यार आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी गूगल मीट वाली मीटिंग्स को स्किप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पता चले। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो क्या हाल है दोस्तों, आजकल हमारी ज़्यादातर मीटिंग्स जो है वो जूम या फिर गूगल मीट पर हो रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां हमारा कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी हमें अटेंड करना होता है। तो ऐसी मीटिंग्स को स्किप करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप उसमें एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चला सकते हैं। अब जूम कॉल को कैसे स्किप करना होता है इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप जूम कॉल के लिए वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल मीट की। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और एक दो सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत होती है, तो उन सारी बातों को पूरी तरह से डिटेल में मैंने उस जूम कॉल वाली वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो में मैं बताकर इसे लंबा नहीं करना चाहता, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ। पहला सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, और उसी का एक प्लगइन है OBS वर्चुअल कैमरा। तो आपको ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। अब इन्हें किस तरह से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इनमें क्या सेटिंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है हमारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो कि हम यूज़ करेंगे गूगल मीट पर। और आप वीडियो के बीच में इस तरह से कुछ कुछ हाथ वगैरह हिलाकर कुछ जेस्टर्स कर सकते हैं ताकि लगे कि आप एक्चुअली में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो OBS जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और हमें इसमें ये करना कि यहाँ ये नीचे प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ क्लिक करना है मीडिया सोर्स पर, और यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन है तो हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ से जाएंगे हम ये ब्राउज़ पर और हम वो फाइल लोकेट करेंगे वेबकैम वाली। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक लूप का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो आ चुका है, हम इसे इस तरह से क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे, नहीं तो वो जो बाकी का एरिया है वो हमारे कॉल पर दिखेगा। अब उसके बाद हम यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे वर्चुअल कैम पर, और उसके बाद ऑटो स्टार्ट पर क्लिक रहने देंगे, और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और इसे करेंगे हम मिनिमाइज। और अब हम चलेंगे गूगल मीट पर और यहाँ हम ये थ्री डॉट्स वाले ऑप्शंस पर यहाँ क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ सेटिंग्स पर, और यहाँ हम जाएंगे वीडियो वाले ऑप्शन में और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन को। यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें OBS कैमरा दिखेगा तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे ऑफ कर देंगे, और यहाँ जाकर हम ये वीडियो को ऑन कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो प्री रिकॉर्डेड वाला वीडियो है वो दिख रहा होगा। अब मैं आपको दूसरे लैपटॉप पर दिखा देता हूँ जहाँ पर ये वीडियो आपको फुल स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो है वो जूम कॉल पर यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो इनकेस अगर मीटिंग के बीच में आपको कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए, कुछ ओपिनियन रखने के लिए कह दिया जाए, तो आप फिर से उसी तरह से थ्री डॉट्स वाले मेन्यू पर जाएं और आप सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पर आप कैमरा वाले ऑप्शन पर जाकर ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करें और वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके लैपटॉप का जो वेबकैम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी बातों को रख सकते हैं वहाँ पर। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।